तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर है सिंगरौली जिले से, जहां जिले के नौगढ़ स्थित पत्रिका हुंडई कार एजेंसी में कल रात भीषण आग लग गई। यह आग बुझाने के लिए जिले भर के दमकल वाहन पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें आसमान को छू रही थी और चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ था। हालांकि आग बुझने से पहले पूरी एजेंसी जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां आग में रिपेयरिंग के लिए खड़ी गाड़ियों के साथ साथ शोरूम और गोदाम में रखी हुई कई नई गाड़ियां भी जलकर खाक हुई है। इस घटना में अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से एजेंसी मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि घटना कल रात तकरीबन 8 बजे सिंगरौली के नौगढ़ स्थित पत्रिका हुंडई कार एजेंसी में देखने को मिली है। यहां देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि पूरा शोरूम आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां देर रात तक कई घंटे तक मशक्कत करती रही है। बताया जा रहा है कि शोरूम में नई नई गाड़ियां भी रखी हुई थी जो जलकर खाक हो गई है। जानकारी के मुताबिक शोरूम में गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम भी होता है, वहां से आग पकड़ती है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे शोरूम में आग फैल जाती है। घटना के दौरान एजेंसी में मौजूद कर्मचारियों सहित आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। यहां दमकल के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने में जुटे रहे हैं। एजेंसी के भीतर लगी आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें आसमान को छू रही थी और चारों ओर धुएं का गुबार छाया हुआ था। बताया जा रहा है कि यह एजेंसी प्रतिष्ठित रीवा के कारोबारी सुनील सिंह की है, जिन्हें इस घटना से करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि एजेंसी में आग कैसे लगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है कि यह भीषण आग एजेंसी में कैसे लगी है।